तो अभी हमारा रेबिट ना जितना मट्टी अंदर से बाहर की तरफ निकाल रहा और इधर में आने के बाद नीचे की तरफ गिराया जा रहा है। ए बेटा छोड़ दो, खरगोश को घर बना रहा है, तुम मेहनत पे पानी फेर रहे हो। छोड़ो, देखो कितना बढ़िया से बना रहा है, हैं? भाई कितना जल्दी जल्दी बना रहा है ये। मचड़ो मचड़ो, मट्टी लग जाएगा। वो देखो 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 अंदर की तरफ मत डालो, गुस्सा हो जाएगा, काट लेगा। तेजी में बना रहा है घर, तो इसको बनाने देते हैं, जल्दी से भी बच्चा दे देगा। ऐसे ही हम लोग फीड लेकर आए अपने मुर्गियों के लिए और अपने जितने परिंदे हैं सबके लिए फीड हम लोग लेकर आ चुके हैं। तो अभी हमारा बेटा ले लेके सबको दिए जा रहा है। बेटा क्या कर रहे हो, मार देगा? तो सबसे पहले हम लोग दे देते अपने लक्का कबूतर जो कि बहुत ही भूखा सा है, तो इसको दे देते हैं हम लोग। इधर से हम डाल देते हैं इसके अंदर में। चलो चलो, ए क्या कर रहे बेटा, उधर गिर रहा है। हेलो, चलो आगे चलो। तभी सभी चूजे ना दौड़ दौड़ के आ रहे हैं, तो चलो इसको देंगे इसके अंदर में और इधर में दे देते हैं अपने। ए क्या कर रहे हो, लो, खाओ, इसमें देते हैं, खाओ। हमारा रेबिट भी दौड़ते हुए चलाया। बेटा क्या कर रहे हो, दो, दे दिए है सबको, दे दिए। तो अभी हमारा बेटा ना जब तक इन लोग को दाना दे रहा है, जब तक हम लोग लेकर आए हैं बाल्टी के अंदर पानी जो कि सबको दे देते हैं। फर्स्ट में हम इसको दे देते हैं लक्का कबूतर के दरबार में पानी, और फिर पानी ले जाके डालोगे। लो गिरा तो ज्यादा रहे हो, अरे ये क्या कर दिए, ये क्या किए, उसमें देना था, रहने दो हम दे देते हैं। इधर से ले जाके इसमें डाल देते हैं हम लोग पानी, और थोड़ा इसमें दे देते हैं। कबूतर अभी हमारा इधर अंडे पे बैठा हुआ है, कितना प्यारा है। आज 5-6 दिन हो गया, और हम उसे तो हमारे जो कबूतर, कोई भी कबूतर 21 दिन पे अंडे फोड़ते हैं, मुझे पता है क्योंकि हम लोग दिल्ली में पाले थे ना, तो इस चीज़ का मुझे एक्सपीरियंस है। तो अभी हम लोग का 4-5 दिन हो गया है, और हम लोग को 16 ऐसे ही होगा, इंतजार करना होगा। और हमारी मुर्गी ने अंडा दी है कि नहीं, इन सब में अंडा नहीं दिया, इसमें भी नहीं है, इसमें है, इसमें भी नहीं है। तो आज हमारी मुर्गी ने कहीं पर अंडा नहीं दिया। भाई ने मुझे कमेंट किया, भाई अपने मुर्गियों को थोड़ा बचा के रखिए क्योंकि कबूतरों पे जाके कभी भी हमला मार सकती है। तो मेरे को ये चीज का बहुत अच्छा आपने बोले भाई। और अभी मैं सोच रहा हूँ ना, सबसे पहले क्या हुआ, पहले बोलो क्या बोल रहे हो। उसमें पानी दे दिए हैं, हाँ छोड़ दो, दे दिए हैं। अभी वो लोग बोल रहा है कि उसमें भी दे दो, जो खा रहे हैं ना। हाँ बेटा, हाँ बोलो। क्या हुआ, सब तो खा ही रहा है लोग, अब क्या है। अभी हम लोग चलते हैं अपने रेबिट का जो घर है उसको देख लेते हैं। बहुत तेजी में ना इसमें बिल बनाया जा रहा है। ये भाई कितना अंदर में चला गया, ये इतना अंदर में बना लिया है। फोन किए पता किए है इसके लिए नर, तो मिल जाएगा तो हम लोग आज लेकर आ जाएंगे, नहीं तो 2-3 दिन लगेगा। बोलो बेटा क्या, इसपे छोड़ दो, जाने दो। तो 2-3 दिन में अगर पता इधर लग गया तो ले आएंगे, नहीं तो हम लोग ऑर्डर करके मंगा लेंगे। तो अभी हम लोग इधर सोच रहे ना माउंटेन बनाए, तो इधर जितना भी ईंट है ना सबको निकालना होगा हम लोग को। इधर निकालने के बाद हम लोग थोड़ा मट्टी डालेंगे, मट्टी डालने के बाद ना इधर मछली का हाउस बनाएंगे। तो इधर हम लोग सोच, पहले इतना दूर का ना क्या हुआ है ना, इसमें पहले चूहा थे ना, चूहा सब तरफ बिल करके ना मट्टी को बैठा दिए, तो उसको थोड़ा मट्टी डाल के हाइट करना होगा। क्या हुआ, नहीं काटेगा, उसके पास जा भी रहा है और बोल रहा है काटी, जाओ काटेगा तब पता चलेगा। क्या हुआ है, ये देखिए अभी हमारा, जब भी वो बंदा रहता ना कड़कनाथ मुर्गा को ना बहुत ही आजादी सब मिल जाता है। तो अभी हमारा जो जिसको चोट लगा था चूजा वो इधर में आ गया है, तो इसको ले चलते, ये तो उड़ने लगा है, तो इसको थोड़ा सा पानी पिला देते हैं
क्योंकि ये पानी पिया नहीं होगा। तो चलो इसमें से पानी पी लो, पानी पी लो, पानी पी लो। कितना प्यासा है, पी लो पी लो। तो इसको अब रख देते इस पे से ही दाना। अपनी माँ के साथ, बच्चों के साथ घूमेगा ना, अपने भाई बहनों के साथ, तो इसमें बैठ के अपना खा लेगा। वैसे ना ये बचने का बिल्कुल भी चांस नहीं था, ये बड़े नसीब से ही बचा है, क्योंकि इसके ऊपर ना भैंस जो होती है ना, उसका पैर इसका पैर से दब गया, अरे उसके पैर से इसका पैर दब गया था, तो इसका जख्मी सा हो गया था। क्या हो गया, क्या हो गया उधर में, ओ क्या हो गया, ओह इसको रेबिट हमारे इधर भाग के आ गया ना, तो इसीलिए वो आके ना बोल रहा उधर में चला गया। रेबिट से ना हमारा बेटा बहुत ज्यादा खेलता है। क्या क्या हो गया है उधर, अरे देखो आ गया, अरे क्या कर रहे हो, अरे छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, जाने दो उसको, खेलने दो। उसके साथ ना बहुत ही ज्यादा खेलता है, और हमारी हिरनी बकरी के साथ, क्योंकि ये लोग काटता नहीं है और इसको भी अच्छा लगता है इधर से उधर भागने में। तो हमारी जो कड़कनाथ मुर्गी है इसमें अंडा देती है। आज देखिए फिर बिल इसमें हमारा रेबिट बना दिया, पता नहीं इसके अंदर, अरे भाई ये तो बहुत अंदर तक बिल बना दिया है। अगर ये इसमें दब जाएगा ना, अगर ये एकदम से बैठ गया ना, तो हमारा रेबिट इसी के अंदर दबा सा रह जाएगा। तो इसको हम लोग कर देते हैं अंदर की तरफ बंद, बंद कर देते हैं बिल को, नहीं तो हमारा रेबिट को खतरा हो सकता है। क्या हुआ, अभी इसका घर बंद करना है बेटा, रुक जाओ, इसको कर देते हैं हम लोग पूरा तरीके से बंद। चलो छोड़ दो, अभी पूरा बंद हुआ नहीं है क्योंकि अंदर बहुत ज्यादा अंदर तक बिल कर दिया है, तो अभी हम लोग उसको कर दिए हल्का फुल्का, जितना बंद हो सकता था उतना बंद कर दिए। क्या हुआ है, चलो उतरो 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 उतरो, क्या हो गया बेटा, पपीता यहाँ थोड़ी मिलेगा, जाओ घर पे जाके मांगो। आगे पपीता मांग रही है, यहाँ पे पपीता है कोई, तो अभी हम लोग फिर हमारा रेबिट आ गया अपने घर के पास, अगर इसके अंदर रहेगा ना तो सबसे अच्छा रहेगा। क्या जाओ जाओ, क्या हुआ, देखिए पकड़ कैसे रहा है। ओ बेटा ये क्या कर रहे हो, ओए क्या कर रहे हो, हैं काटी क्या कर रहे हो, उसका घर में जा रहा है, रहने दो, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो बेटा। उसके साथ खेलने के मैं बिल्कुल बिजी सा हो गया है, तो अभी हम लोग जो हमारी कबूतरी है इसको भी थोड़ा नीचे उतार देते हैं। चलो नीचे उतर के खा लो, ऊपर क्या है, नीचे उतर के इनके लिए दे दिए हम लोग इधर में गेहूं, जो कि अपना इसमें खाते रहेगी। तो हम लोग चलते हैं अपना माउंटेन बना लेते हैं, जितना ईट है ना सबको निकालना होगा। देखिए इधर जरा हम लोग का रेबिट घर बना रहा था। पापा, क्या हुआ बेटा, क्या हुआ, ओ मैंने ये छोड़ो, हटो हटो इधर, सब ईट निकाल निकाल के हम लोग को रखना होगा, क्योंकि इधर डालना होगा हम लोग को मट्टी, इधर से निकालो। क्या हुआ, उधर हटा दिए, ये सब निकालो इधर में, इतना ईट था ना इधर में, जितना दूर में हम लोग माउंटेन बनाएंगे मट्टी डालना है, तो हम लोग ईट निकाल के रख दिए, और इधर अभी हम लोग को डालना है मट्टी, जो कि हम लोग अभी नहीं डालेंगे, लेकर आएंगे तब उधर मट्टी डाल के, और फिर हम लोग बनाएंगे अपना माउंटेन, फिर लेकर आएंगे अपनी फीस। ये छोड़ देते हैं काम, ये थी आज की हमारी वीडियो, उम्मीद करते हैं आप सभी को अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर मिलेंगे कल, जब तक के लिए बाय दोस्तों।